तक के इतिहास का सबसे बड़ा शोक प्रस्ताव है, जिसमें करीब 3 दर्जन राष्ट्रीय और राज्य स्तर के राजनेता दिवंगत हुए हैं पिछले सत्र और वर्तमान सत्र की अवधि में। 1.5 दर्जन के आसपास समाज के विभिन्न वर्गों के प्रख्यात व्यक्ति, साहित्यकार, कलाकार, न्यायविद, ये सभी दिवंगत हुए हैं। विनोद जी ने एक संदर्भ की चर्चा की, उस संदर्भ में राज्य के और राष्ट्रीय स्तर के कई प्रख्यात चिकित्सक निकाल कर भी हुए हैं, और चिकित्सा कर्मी जो कोरोना के समय में रात दिन सेवा करते थे वे भी दिवंगत हुए हैं। उनका संदर्भ भी महोदय प्रस्ताव में जोड़ा जाना चाहिए। कई पत्रकार इसमें शहीद हुए हैं, जिसके चंदन का नाम तो है, मगर टीपी सिंह का विजय लोगों का भी नाम जोड़ा जाए तो ये शोक प्रस्ताव और लंबित होगा। साथ ही कोरोना की व्यवस्था में फ्रंटलाइन वर्कर के रूप में जो भी काम करते रहे हैं महोदय, उसमें ANM हैं और स्वास्थ्य कर्मी हैं जिन्होंने 24 घंटे तक की सेवा दी है, उनके योगदान को भी सराहना करनी चाहिए जो दिवंगत हुए हैं। उनके शोक प्रस्ताव के साथ साथ जो अभी कार्यरत हैं, काम कर रहे हैं, उनके सेवा की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए महोदय। 3 दर्जन राजनीतिक व्यक्ति, 1.5 दर्जन से अधिक सामाजिक, साहित्यिक, वैज्ञानिक, न्यायिक क्षेत्र के लोग दिवंगत हुए हैं। मैं इन सबों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। ईश्वर की प्रार्थना है कि पुण्यात्माओं को जो शरणों में स्थान दें और परिजनों को शोक दान करने की।